मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पार्क फील्ड यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो कोई बड़ी यूनिक गाड़ी है और हमारे दोस्त हैं फिजान, वो मौजूद हैं और उन्होंने गाड़ी इंपोर्ट की थी, तो मैंने कहा चलो हम इस मौके को यूज़ करते हुए उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिजान जो है इनका ताल्लुक भी गाड़ियों की ट्रेड से ही है और काफ़ी यूनिक किस्म की गाड़ियां मंगाते रहते हैं। तो फिजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा फिजान, आपकी जो गाड़ी है इसका मेक मॉडल ईयर क्या है, जब हमारे यूजर्स के लिए बताएंगे? इट्स अ टोयोटा क्राउन, ठीक है, इट्स अ 2018 दिसंबर मॉडल, ठीक है ठीक है। इट्स इंपोर्टेड इन 2021, ठीक है। आप भी अगर कोई भी यूज जापानीज गाड़ी खरीदना चाहते हो तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्जी की गाड़ी सिलेक्ट करें। याद रहे कोई भी जापानीज गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल कर लें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए दो तरीके हैं, आप एंड्रॉयड iOS के ऊपर हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टोल फ्री नंबर है 0422111943357 उस पर कॉल करके भी आप जो है इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस आपको 100+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्रिहेंसिव चेक जो है वो डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप पे या आपके फोन पे आपको प्रोवाइड करती है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इसकी जो जनरेशन है ये सबसे लेटेस्ट वाली जनरेशन है? 15th generation है और इसे हाइब्रिड कार, इट्स अ हाइब्रिड कार। इसका इंजन साइज क्या है सर? 2500cc हाइब्रिड। अच्छा, ये देखने में तो मतलब इसे मैं भी इसमें देख रहा हूँ काफी एडवांस फीचर्स, खैर काफी लोगों को शायद ना पता हो कि मेरे पास 96 में एक क्राउन थी, उसमें भी एसी के वेंट मिलते थे एंड बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर है क्राउन की, जिस तरह पुराने जमाने में घरों में एसी होते थे तो उसकी वेव होती थी, देखा तो इसका लैंडमार्क होता था। अच्छा तो फिजान, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि ये किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर गाड़ी फॉल करती है? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सर ये 240-250 के दरमियान। अच्छा, मतलब यानी 240-250 का मतलब ये है कि आपको 2015-16 की एस क्लास भी शायद इतने में मिल जाती है। जी ठीक है। और अगर लग्जरी वाइज आप कंपेयर करें तो अगेन पॉइंट मेरा कस्टमर के लिए समझने की मैं बात की कोशिश करता हूँ कि परचेज डिसीजन जो भी बंदा ये गाड़ी ले रहा है वो किस माइंडसेट से जा रहा था या किस बजट के साथ जा रहा था। सो उस लिहाज से मेरा ख्याल है ये थोड़ा बजट सीरीज तो खैर बहुत ज़्यादा आउट है, बट फिर भी आपके ख्याल से कौन कस्टमर होगा जो इस गाड़ी को खरीदना चाह रहा है? क्या वो एस क्लास का कस्टमर है? सर इसका जो कंपेटिटर आएगा वो आप ई क्लास में जाके कंपेटिटर में इसके फॉल करते हैं। सेकंडली ये थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी में उन मेक्स में से ज्यादा बेहतर है एज अ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हम बात करें। सस्पेंशन वाइज ले लें इसका, मतलब रोड सेंस ले लें सर, और इसके मतलब सस्पेंशन ले लें फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स इसकी जो सस्पेंशन है सर, इट्स रियली हार्ड, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे पाकिस्तानी रोड के हिसाब से वैसे हमारा टोयोटा का मोनोग्राम जो है सर वे प्रेफरेबल है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो होती है टोयोटा के मोनोग्राम के साथ लोगों को होता है कि रीसेल बहुत जल्दी होगी और पार्ट्स बहुत होंगे, बट इस केस में मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें शायद उतनी इजी नहीं होंगी बीइंग अ क्राउन। और क्राउन में भी मैंने देखा था कि जो आपके देखे ना, अगर जो इसकी पिछली जनरेशन थी वो बहुत कोई एंड पे जाके जो गाड़ियां हैं वो 1 करोड़ का जो मार्क को क्रॉस कर रही थी उससे नीचे थी, और लग्जरी इन गाड़ियों की बहुत ज्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से मेरा ख्याल है जो पार्ट्स का बेनिफिट टोयोटा को होता है वो इसमें नहीं मिलेगा, और रीसेल भी उतनी नहीं होगी जितना आम टोयोटा ब्रांड की होती है। यस, कंपेयर टू BMW और मर्सिडीज शायद बेहतर होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये भी कितने अरसे, आपके पास कितने अरसे से है? सर मेरे पास ये तकरीबन 1.5 मंथ हो गया। ठीक है, और कितनी चल गई है? सर इट्स ड्रिवन 24। आपने कितनी चलाई है? 4000 किलोमीटर। अच्छा, तो 4000 किलोमीटर आपने चलाई है और ये हाइब्रिड है, आपको शहर में, खैर सेगमेंट में इतना कोई बड़ा ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी चले पूछ लेते हैं लोगों के लिए एक टेक पूरा करने के लिए कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? 24 किलोमीटर पर लीटर सर। 24 किलोमीटर पर लीटर सर। इसे 280 हॉर्स पावर, ठीक है ठीक है। इसका जो इंजन है वो 180 हॉर्स पावर पे है, इसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, जो कि आपकी टेस्ला के अंदर यूज हो रही है। सही है, ठीक है। तो उसकी वजह से 100 हॉर्स पावर आपको वहाँ से जनरेट हो रही है, और 180 का इंजन और 280 है, पर यह है कि इस स्पोर्ट्स प्लस फ्यूल सेविंग का, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज क्राउन, दिस क्राउन मेंट्स। अच्छा, इसका 0 टू 100 जो फिगर है वो क्या है वैसे? सर इसका 0 टू 100 जो फिगर है वो अराउंड 2-3 सेकंड्स के अराउंड अबाउट है, 3.5 360 कैमरा है, रडार है सर इसके अंदर।
एडाप्टिव कंट्रोल तो है सर, रडार मीन जो आपको रात के टाइम पे जो इंफ्रारेड वो नहीं होता आपको, नाइट विजन है, हेडअप डिस्प्ले भी है जी बिल्कुल। और आपके राइट साइड पे क्या क्या ऑप्शन है, रिट्रैक्टेबल मिरर है सर, इसके अंदर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया। अगर इसकी इंफोटेनमेंट के ऊपर है, क्लाइमेट कंट्रोल भी अगेन इंडिविजुअल दोनों जिसको लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल बोलते हैं, पीछे भी है, इसके बाद आपके पैरों में भी है नीचे, ठीक है पैसेंजर के, सही है। और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर बड़े अच्छा कार्बन फाइबर लगा हुआ है, और ये जो व्हाइट लेदर का इंटीरियर है इसका ये बड़ी डिस्टिंक्टिव लुक दे रहा है जी सर। तो बड़ी मॉडर्न है अंदर से दोस्त लिहाज से, क्योंकि पहले वाली जो क्राउन थी वो काफी अरसे तक एक ही उनका सिग्नेचर चला आ रहा था सर। ये बिट लेंथियर भी है पुरानी क्राउन, सही है। और इसके आगे मैं जो देख रहा था कि स्पोर्टी किट वगैरह थी जो आप बता रहे थे, इसका कौन सा वेरिएंट है ये सर? आरएस एडवांस, आरएस एडवांस, ठीक है। सो इसमें सनरूफ भी है और कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट का बड़ा खूबसूरत है सर। ये अभी इसी मॉडल में ब्लैक एंड व्हाइट लॉन्च हुआ, इससे पहले इसके किसी मॉडल में ये कॉम्बिनेशन लॉन्च नहीं है, ठीक है। मैरून एंड ब्लैक जरूर है पर व्हाइट एंड ब्लैक के अंदर, ठीक है। गाड़ी की सेफ्टी के ऊपर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर कितने एयरबैग हैं सर? इसके अंदर अराउंड 1, 2, 3 सर कुछ 8 या 10 हैं सर, ठीक हो गया। और लाइक ईवी मोड हो गया, इसके अलावा कोई ऐसी ऑप्शन जो आप बताना चाह रहे हो कि इसमें रहेगा? इसका अगर हम इसकी बात करें इंफोटेनमेंट की, मुझे जापानीज़ गाड़ी में सबसे ज़्यादा बड़ा इशू हमेशा ये होता है, इज इट कन्वर्टेबल टू इंग्लिश? इट इज कन्वर्टेबल टू इंग्लिश बट इट्स नॉट राइट नाउ कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, बट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू, क्योंकि मैं याद है 14 जनरेशन से पहले नहीं आप कर सकते थे, 14 जनरेशन एंड दिस जनरेशन कैन बी कन्वर्टेड, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो ये वाली है कि ये और इसके अंदर ब्लूटूथ है और फोन मिररिंग वगैरह है, फोन मिररिंग है सर। देन यू हैव सबसे पहले तो ये भी मिरर है इसका, अच्छा इट्स अ स्क्रीन ओवर हियर एज वेल। ये रिवर्स दिखा रही है आपको, फ्रंट दिखा रही है? ये रिवर्स दिखा रही है, अच्छा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये मिरर बन गया, ठीक है ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस ओवर, बिल्कुल ठीक है। इट्स रियली नाइस, ये रात को बहुत अच्छा वर्क करते हैं, सही है ठीक है। रादर देन वो, क्योंकि इसके पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, पीछे जो शीशे हैं वो ब्लैक हैं, सही है। तो समटाइम्स वर्क वेरी, इसके अंदर मेरा ख्याल स्टैंडर्ड प्राइवेसी ग्लास होगा जी, स्टैंडर्ड प्राइवेसी ग्लास, ठीक हो गया। और कोई ऐसी ऑप्शन जो कि आपके ख्याल से मैंने मिस आउट कर दी हो, या आपको लगता है कि बड़ी इसमें अच्छी ऑप्शन है? पैडल शिफ्टर है इसमें? इसमें पैडल शिफ्टर है सर, यू हैव अ पैडल शिफ्टर देयर एंड अ स्पोर्ट्स वर्जन ओवर हियर, ठीक हो गया। पोर्टेबल ओवर हियर, तो बाकी ये सारे आपके यूएसबी कनेक्टिविटी वगैरह तो स्टैंडर्ड है सर। इसके बाद इसके अंदर आप, यू कैन पुट अ 2-volt स्विच इन इट, ठीक है, आर्मरेस्ट के अंदर, ठीक है। और ये आपका वाईफाई चार्जिंग है, यहाँ पे अपना फोन रखें, ठीक है। वायरलेस चार्जिंग भी है, ये वायरलेस चार्जिंग भी वैसे आजकल गाड़ियों में काफी ज्यादा एक्सटेंडेड बनता जा रहा है, जो अच्छी चीज है। मेरा ख्याल है गाड़ियों में जो तारें ढूंढने के लिए लोगों को कोशिश करनी पड़ती थी, वो नहीं पड़ेगी सर, ठीक है। ओवरऑल तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। एडवांस सेफ्टी फीचर्स ही है ना, वो आपने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जो इसके हैं। बाकी इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव लेदर का स्टिचिंग है ये पूरे डैशबोर्ड पे, साइडों पे, जो गाड़ी को मेरा ख्याल एक बड़ी जिसे कहते हैं एग्जैक्टिव लुक दे रही है आपको मार्केट के अंदर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और लेग स्पेस भी बहुत है पीछे वाली, सर लेग स्पेस पीछे, वो जो पीछे बैठे हैं वो एक्सप्लेन कर सकेंगे, बट इट्स अ बिग लेग स्पेस एट द एंड, इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार सर, रियर व्हील ड्राइव कार सर, इसी वजह से इसकी वो जो है आपका फ्यूल एवरेज भी अच्छी है। इसकी जो सेंटर में जा रहा है ना, यहाँ से पता लग रहा है कि नीचे इसकी शाफ्ट मौजूद है, अच्छा। कोई चीज़ जो आप मिस करते हो उस गाड़ी में कि यार इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और उसमें आपके यार मेरी विश लिस्ट में अगर ये चीज़ भी इसमें हो जाती तो कमाल हो जाता? सर इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ा सा होता है, एक सक्शन डोर, सही है। इफ दे गिव अ सक्शन डोर इन इट, सही है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कार टू बी एक सेक्शन डोर, और मेरे ख्याल एक एयरमैटिक जो है एयरमैटिक वो उसकी नहीं, इसमें सर नैनो टेक्नोलॉजी तो है ना, ठीक है, तो वो जो एयर प्योरीफायर भी जो नहीं है, फिर मैं उसकी सस्पेंशन की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक सस्पेंशन जो है, मैग्नेटिक सस्पेंशन, अगर वो आ जाती तो सर कमाल, मेरे ख्याल वो इस लिहाज से ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी, हमेशा कहता हूँ जो एयरमैटिक वाली गाड़ी है उनका अभी जब नई होती है तो ठीक होती है, जब पुरानी होती है तो सबसे पहले जो है ना इनके शॉक्स और एयरमैटिक पंप जो ये खराब होते हैं, बिल्कुल है। तो इस लिहाज से ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, बट वैसे बड़ी सॉफ्ट है गाड़ी, सड़क पे कहीं आपको ऐसे फील नहीं हो रहा कि कोई हार्ड है, जिसने आपने कहा स्पोर्टी जरूर है बट येट कम्फर्ट लेवल जो है उसका छोड़ा नहीं किया उन्होंने सर, कम्फर्ट लेवल नहीं छोड़ा। सेकंडली इट्स वाज इट इज रियली हार्ड, इसको जो टेस्ट एंड ट्रायल किया गया तो इसको एक्सट्रीम लेवल्स पे किया गया, ये वो मतलब इट्स अ ड्यूरेबल कार एज वेल, हां जी। तो मैं बता दूं यूजर्स के लिए, वो शायद आप हार्ड कह रहे हैं समझे कि सस्पेंशन हार्ड नहीं, 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 ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी के लिए आ सके, वरना वो लोग नीचे लिखना शुरू कर देंगे कि तैयार होंगे कि अभी बताते हैं इसको कि ये हार्ड कैसे है, क्राउन को हार्ड कह रहे हैं। सो क्राउन इज वेरी स्मूथ इन दैट सेंस, बट ड्यूरेबिलिटी वाइज लाइक सर द थिंग इज दैट ये अगर हम इसको भी लाइक भगाते भी हैं, इसको पुश भी करते हैं, तो ये इतनी इट विल गिव यू वेरी कंफर्टेबल राइड इन इट, ठीक है, आपको फील नहीं होगा दैट मच कि वी आर गोइंग लाइक एक स्पोर्ट्स कार में, और इसमें यही फर्क होगा आई थिंक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल जापानीज गाड़ियों को लेके होता है खासतौर पर, और इस तरह की गाड़ी जिसके अंदर स्पोर्ट किट वगैरह लगी होती है, कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है
स्पीड ब्रेकरों पे, खड्डों पे हमारे मुल्क में गाड़ी को तो निकालने के लिए रोड बनाना पड़ता है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी, बट ड्यू टू एक जापानीज गाड़ीज में वो होता है ना सर, थोड़ा सा ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है, कॉम्प्रोमाइज है वो ड्यू टू दैट। एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आई इसमें, वो भी है साइड स्पॉट मॉनिटर, BSM भी है, ठीक है। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज है, पर सर वो कवर अप कर जाती है व्हेन यू आर ड्राइविंग इट ऑन अ स्मूथ रोड। हां, वो इसलिए ऐसे ड्राइविंग प्लेयर तो बहुत ज्यादा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब बंदा इतनी अच्छी मशीन चला रहा हो और ब्रेकर के ऊपर थोड़ा ध्यान करना पड़ता है टेढ़ा करके, ये आपको कई दफा खासतौर पर रूट प्लान करने पड़ते हैं, जगह से नहीं जाना, यहाँ पे ब्रेकर बहुत है, सिंपल क्राउन इन इट, उसके अंदर जिसमें बॉडी किट नहीं है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसकी सर्विस के ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज़ डीलरशिप तो मेरा ख्याल है इसको केटर नहीं करती होगी। नहीं सर, पर इट वाज आप इसका जो ऑयल चेंज वगैरह वो सेम एज वही है जो आपका आम रेगुलर रूटीन में होता है, लाइक 6-7,000 मैक्सिमम, सही है। एंड आई थिंक ये बहुत चीपर है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, ठीक है, एंड इट वाज रियली इजी टू हैंडल। हां, नहीं मेरा सवाल बेसिकली इसलिए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं अगर आप इतनी महंगी गाड़ी लें और उसमें अगर कोई एरर अंदर आ रहा है और आपके पास कंपनी की डीलरशिप नहीं है जो इसको कैटर करे, तो क्या टोयोटा होके अगर आप लेके जाएं तो दे डायग्नोस द कार और वो करते हैं कि नहीं? सर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई आया नहीं, पर दे विल। अच्छा, बिकॉज़ दे हैव द सिस्टम टू डू इट, सही है, रादर देन बिकॉज़ दे आर नॉट इंपोर्टिंग इट तो वो इसको उस तरह कैटर नहीं कर रहे, सही है, लेकिन उनके पास सिस्टम मौजूद, सिस्टम तो मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जब अक्सर लोग गाड़ी लेते हैं उनका एक और कंसर्न, एक तो रीसेल बहुत ज्यादा होता है, बट अगेन इस कैटेगरी की गाड़ी में मेरा ख्याल है रीसेल इतना भी इशू नहीं होता, बट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, शायद प्राइस भी इशू ना हो लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू होता है। सो डू यू थिंक कि इसके पार्ट्स हमें यहाँ मिल जाएंगे पाकिस्तान में? सर जिस स्पीड से गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, सही है, आई विल सी इन द फ्यूचर यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम, ठीक है, और अभी अगर चाहिए तो जापान से आप इंपोर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन इंपोर्ट इट फ्रॉम देयर एज़ वेल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हर गाड़ी की जो जनरेशन आती है उनमें कई फॉल्ट्स आते हैं, आपको पता होगा 14 जनरेशन की भी नोन प्रॉब्लम कई थी, 13 की भी थी, तो आपने 15 के बारे में कोई रिसर्च की? थिंग इज दैट के एक तो सबसे पहले ये बता दूं कि 15 जनरेशन जो है इनकी लास्ट जनरेशन, ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्राउन को भी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, सही है, तो इट्स गोना बी अ जेम ऑफ अ कार जिसके पास भी ये जाएगी, ये सो कलेक्टर आइटम, ये कलेक्टर आइटम बनने जा रही है, ये जापान में ही अराउंड 300 कुछ पीसेस डेवलप किए गए, सही है, फॉर द सेलिंग ड्यू टू कोविड, सही है, वहां पे इसकी वो उस तरह से सेल नहीं दे सके, ठीक है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसके अंदर है चीज, पर ये इट्स अ गुड थिंग फॉर द कलेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने अपनी हर जो एम्बिग्युइटी थी ना गाड़ी के अंदर उसको रिजॉल्व किया, ठीक है, ठीक है, नाउ दिस कार हैज नो इश्यूज राइट नाउ, अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो इसमें कोई किसी तरह की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है राइट, ठीक है। और आप एक्सटीरियर की बात करें, इसमें जो अलॉयज हैं वो कितने इंच के? 18 इंच के, और लाइट जो LEDs हैं, SMD इसकी LEDs है, ठीक है, और डे लाइट रनिंग वगैरह, ठीक है, और आपने प्राइस मार्क बताया था कि अराउंड 25 मिलियन के, यस सर, और अगर अभी आपको दोबारा ऑप्शन दी जाए, आपने तकरीबन 4000 किलोमीटर चला ली ये गाड़ी, कि मतलब इफ़ यू हैव ऑप्शन ऑफ बाइंग दिस कार वर्सेस अ कंपेटिटर प्रोडक्ट लेट्स से इन ई क्लास या पुरानी एस क्लास, यस आई विल बी गोइंग फॉर दिस वन। अगर आप एक छोटी सी बात है जहाँ पे आके हम देखें, कम्फर्ट लेवल अपनी जगह है, इसमें भी है उसमें भी है, सही है, पर ड्यूरेबिलिटी की बात जहाँ पे आएगी, जहाँ पे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस का मसला है, वहाँ पे ये गाड़ी आगे चली जाती है, बिल्कुल ठीक है, बीइंग अ जापानीज ब्रांड एंड उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है मेरा ख्याल है जर्मन गाड़ी से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, ये बात है सर, वहाँ पे आके आप थोड़ा सा रुकते हो, हाँ, रेदर देन आप इसको आप डेली यूज कर सकते हो, वो आपका डेली यूज का आई थिंक समहाउ इतना प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये था आज का रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वाकलों का ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।